स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में फिरंगियों को धूल चटाने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई की कर्म भूमि कालपी नगर में पूरे जोश खरोश के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। देशभक्ति के गीतों पर थिरकते बाइक सवार भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवाओं ने भारत माता की जय वंदे मातरम के गगन भेदी नारे लगाकर नगर को देशभक्ति के रंग में सरोबोर कर दिया। तो वहीं देश के आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव संपूर्ण देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के आयोजन लगातार हो रहे हैं। आज नगर कालपी में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा का आह्वान भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा किया गया था, जिसमें हिंदू जागरण मंच तथा भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने सहभागिता की। यात्रा का शुभारंभ मां बनखंडी देवी शक्तिपीठ से हुआ। तो वहीं यात्रा मुख्य बाजार से होते हुए फुल पावर चौराहा से दुर्गा मंदिर रेलवे स्टेशन होते हुए खोया मंडी के बाद बनखंडी देवी शक्तिपीठ धाम पर ही समाप्त हुई। सैकड़ों दो पहिया चार पहिया वाहनों सहित सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर रखा था और गले में तिरंगे की पट्टी डालकर रखी थी। नगर में कई स्थानों पर फूल बरसा कर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया। आज आज़ादी के 75 वर्षों पर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सारी मोर्चा प्रकोष्ठ सभी कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसको युवा मोर्चा नेतृत्व कर रही है। आज आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी द्वारा संपूर्ण देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, उसी संदर्भ में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा कालपी नगर में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ बलखंडी देवी मंदिर से होते हुए संपूर्ण बाजार घूमते हुए रेलवे स्टेशन होते हुए खोया मंडी में समाप्त हो गई। आज आज़ादी के 75 वर्ष पूर्व होने पर पूरे भारत में अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज कालपी में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें हिंदू जागरण मंच की पूरी टीम शामिल हुई और इसमें शामिल होकर हम सभी लोग अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हिंदू जागरण मंच जिला जालौन की सभी देशवासियों से ये मांग है कि हर घर तिरंगा अभियान जो चल रहा है उसमें सहभागिता करें और अपने अपने घर में तिरंगा लगाएं और सभी लोग आज़ादी के जो 75 वर्ष पूर्व होने पर अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कालपी से मनोज पांडे की रिपोर्ट। संस्कार सेवा समर्पण शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा डी फार्मा बीएड बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन लें। उन्नाव बालाजी मार्ग भोजला मंडी के पास ग्राम आरी झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627 7068280628। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. कृषि के क्षेत्र में सवारें अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज बीएससी कृषि बीए बीकॉम बीएससी मैथ्स बायो श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय ग्राम धबाकर मऊरानीपुर झांसी। कॉन्टैक्ट 7470082279।